डियर स्टूडेंट्स, आज हम इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इकोसिस्टम की संरचना दो घटकों से मिलकर के होती है, अजैविक घटक तथा जैविक घटक। यदि हम इन जैविक और अजैविक घटकों को फिर से इलेबोरेट करें तो हम देखते हैं कि इकोसिस्टम की संरचना में 6 घटक होते हैं। पहला अकार्बनिक पदार्थ या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दूसरा कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तीसरा जलवायु या क्लाइमेट, चौथा उत्पादक या प्रोड्यूसर्स, पांचवा वृहद या गुरु उपभोक्ता या मैक्रो कंज्यूमर्स तथा छठा सूक्ष्म उपभोक्ता या माइक्रो कंज्यूमर्स। इनमें से प्रथम तीन घटक एबायोटिक कंपोनेंट्स या अजैविक घटक कहलाते हैं, शेष अंतिम तीन बायोटिक कंपोनेंट्स या जैविक घटक कहलाते हैं। इकोसिस्टम के दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, एक उसकी संरचना, दूसरा उसका कार्य। इकोसिस्टम की संरचना से तात्पर्य उसके जैविक समुदाय के गठन से है या जीवीय भिन्नता से है, अर्थात उसमें पादप व जंतु की कितने प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, उनकी संख्या क्या होती है, उनका वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन क्या है तथा उनका जैव भार क्या है। इकोसिस्टम के कार्य से हमारा तात्पर्य यह है कि इकोसिस्टम के अंदर ऊर्जा प्रवाह या एनर्जी फ्लो तथा पदार्थों का परिसंचरण या मटेरियल साइक्लिंग किस प्रकार से हो रहा है। तो हमने देखा कि इकोसिस्टम की संरचना में दो प्रमुख प्रकार के घटक होते हैं, जैविक घटक या अजैविक घटक। यद्यपि ये जैविक तथा अजैविक घटक नॉन सेपरेबल होते हैं, परंतु अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इकोसिस्टम के दोनों घटकों का हम पृथक पृथक अध्ययन करते हैं। पहला है जैविक घटक। इस घटक के में सभी जीवधारियों को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि सभी लिविंग बींग्स को, चाहे पौधे हो चाहे जंतु हो, सभी को सम्मिलित किया जाता है। ये जंतु तथा पौधे वातावरण में एक साथ समुदाय बना करके रहते हैं और तथा परस्पर किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। लिंडमैन ने 1942 में पोषण गतिकी या न्यूट्रिएंट डायनेमिक्स संबंधी अवधारणा प्रस्तुत की थी, जिसके अनुसार विभिन्न प्रकार के जीवों के परस्पर संबंधों का आधार भोजन ही है। अतः विभिन्न प्रकार के जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया या पोषक तत्वों की दृष्टि से जैविक घटकों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्वपोषी या उत्पादक, ऑटोट्रॉफिक या प्रोड्यूसर्स, तथा दूसरा है विषमपोषी या उपभोक्ता, हिटरोट्रॉफ्स या कंज्यूमर्स। हम पहले स्वपोषी या उत्पादकों के बारे में बात करेंगे। ये स्वपोषी इकोसिस्टम के वे सभी सदस्य होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण या बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस या रसायन संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने पोषण हेतु कार्बनिक पदार्थों के निर्माण करने में सक्षम होते हैं। इन्हें हम स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। भोजन निर्माण की ये क्षमता क्लोरोफिल युक्त हरे पादपों में होती है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में होती है तथा रसायन संश्लेषी जीवाणुओं में होती है। स्वपोषी सदस्यों को हम उत्पादक या प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके कार्बनिक पदार्थों के रूप में संचित करते हैं। इसलिए ये कार्बनिक पदार्थों का प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए हम इन्हें उत्पादक या प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ये सभी कार्बनिक पदार्थ विषम पोषी प्रकार के सजीवों हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के रूप में काम में आते हैं। वास्तविक रूप में हरे पौधे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, न कि ऊर्जा का। ये मात्र ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं, अतः इन्हें हम परिवर्तक या कन्वर्टर्स भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे विषम पोषी या उपभोक्ताओं की। इकोसिस्टम के वे सजीव जिनमें अपना कार्बनिक
भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती तथा वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम विषमपोषी या हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। इन्हें उपभोक्ता या कंज्यूमर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जीवधारी अपने भोजन के लिए उत्पादकों द्वारा संश्लेषित भोजन का उपयोग करते हैं। विषम पोषियों को हम पुनः दो श्रेणियों में विभक्त करते हैं, वृहद या गुरु उपभोक्ता तथा लघु या सूक्ष्म उपभोक्ता। पहले हम बात करेंगे वृहद या गुरु उपभोक्ता की, जिन्हें हम मैक्रो कंज्यूमर्स या फेगोट्रॉफ्स भक्ष पोषी भी कहते हैं। ये इस श्रेणी में हम उन जीवों को शामिल करते हैं जो कार्बनिक भोजन को ग्रहण करके शरीर के भीतर उसका पाचन करते हैं और सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। वृहद उपभोक्ता या भक्षपोषी कहलाते हैं। जीवित पौधे व जंतु इनका भोजन होते हैं। इन्हें फिर से हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता और तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता। फर्स्ट, प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये अपने पोषण के लिए हरे पौधों अर्थात उपभोक्ता उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, जैसे बकरी, गाय, हिरण, खरगोश आदि। ये शाकाहारी जंतु होते हैं या हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स का मतलब है प्लांट ईटिंग। पौधों में संचित ऊर्जा के चूँकि ये प्रथम उपभोक्ता होते हैं, इसलिए इन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। दूसरी श्रेणी में द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं। ये वे जीवधारी होते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ताओं या शाकाहारी जंतुओं से प्राप्त करते हैं। ये प्राय मांसाहारी होते हैं या कार्निवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स का मतलब है एनिमल ईटिंग, जैसे कौवा, सर्प इत्यादि। तीसरी कैटेगरी है टर्शरी कंज्यूमर्स या तृतीयक उपभोक्ता। ये वे जीवधारी होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता के मांसाहारी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस श्रेणी में ऐसे प्राणियों को सम्मिलित किया जाता है जो स्वयं तो मांसाहारी प्राणियों को खाते हैं पर इन्हें कोई अन्य प्राणी नहीं खा सकता, अतः हम इन्हें उच्च वर्गीय उपभोक्ता या टॉप लेवल कंज्यूमर्स भी कहते हैं, जैसे गिद्ध, शेर इत्यादि। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि इकोसिस्टम में भोजन उत्पादकों से निर्मित होकर उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों से गुजरता हुआ तृतीयक उपभोक्ता तक पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया को हम खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे लघु या सूक्ष्म उपभोक्ताओं की, जिन्हें हम अपघटक जीव भी कहते हैं, माइक्रो कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। ये सजीव भी इकोसिस्टम के महत्वपूर्ण जीव हैं। ये सजीव उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के मृत शरीरों पर पाचक विकरों या डाइजेस्टिव एंजाइम्स का स्रवण करके उनकी मृत देहों के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। इन सरल कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों का ये सूक्ष्म उपभोक्ता भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। एग्जाम्पल हैं जीवाणु, एक्टिनोमाइसिटीज, कवक आदि। इन लघु उपभोक्ताओं को हम सेप्रोफाइट्स या मृतोपजीवी भी कहते हैं। ये सजीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने के साथ साथ इन्हें अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन का कार्य भी करते हैं, अतः इनको रूपांतरक भी कहते हैं। उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के शरीर के मृत हो जाने पर यह सूक्ष्म उपभोक्ता अपघटन द्वारा अकार्बनिक पदार्थों को वापस वातावरण में लौटाने का कार्य करते हैं, अतः इन अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग उत्पादकों द्वारा फिर से भोजन निर्माण में किया जाता है। इस प्रकार से लघु उपभोक्ता इकोसिस्टम के अस्तित्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।